What's up everyone, welcome back to the channel. तो source of business finance के first part में हम लोगों ने कुछ sources के बारे में पढ़ा, जैसे कि retained earnings और chapter का basic हमने cover किया था. आज chapter को आगे बढ़ाते हैं और बिल्कुल ही खत्म करने की कोशिश करते हैं. chapter में जितनी भी चीजें हैं आज हम finish करते हैं and then we'll move forward to next chapter. आइए जल्दी से let's begin. आज हम शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट सोर्स के साथ जो कि है ट्रेड क्रेडिट. तो यार देखो, ट्रेड क्रेडिट नाम में ही लिखा गया है, इसके नाम में ही मतलब छुपा होता है मैक्सिमम चीजों की. क्रेडिट का मतलब आप सब जानते हो, क्रेडिट का मतलब उधार, और ट्रेड का मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी चीज में आप डील कर रहे हो. तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक गारमेंट डीलर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ गारमेंट्स की सेल परचेज करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस गारमेंट्स को बाय करूंगा. तो कई बार मैं जो मेरा जिससे मैं खरीद रहा हूँ, जो मेरा सप्लायर है, मैं उस सप्लायर को बोलता हूँ यार मुझे आप सामान भेज दो, मैं आपको पैसे कुछ टाइम के बाद दूंगा. तो वो मुझे उधार पे दे देता है. मार्केट में एक सर्कल चलता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक बार ले आया, अब जब मैं नेक्स्ट टाइम माल लेने के लिए जाऊंगा तो पिछले के पैसे दे जाऊंगा, नया माल ले आऊंगा. फिर मैं अगली बार जब जाऊंगा तो पिछले के पैसे दे आऊंगा, नया माल ले आऊंगा. ऐसे सर्कल चलता रहता है, सर्कल घूमता ही रहता है. तो इस सिनेरियो में व्हाट एक्चुअली इज ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट, यानी कि वो उधार जो दिया है वन ट्रेडर ने दूसरे को, द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है ना, कि जो उधार एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को दे रहा है बिजनेस करने के लिए, उसी को हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं. याद रखेंगे कि ये बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग होती है, बी टू बी डील होता है यहाँ पे. ठीक है, इट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ बायर. अब आप सोचो, जो खरीदने वाला है वो सामान खरीद रहा है, उधार में खरीद रहा है, उसको भविष्य में सामने वाले के पैसे देने हैं, तो वो अपनी बुक्स में उसको किस नाम से लिखेगा. अकाउंटिंग वाली चीज है, तो अकाउंट्स की चीज है. आप खुद सोचो और मुझे बताओ कि फॉर एग्जांपल मैं सामान खरीद के ला रहा हूँ उधार में, तो मैं सामने वाले को अपनी बुक्स में किस नाम से लिखूंगा. मुझे सामने वाले का पैसा देना है ना, तो मैं उसे किस नाम से लिखूंगा, सन्ड्री क्रेडिटर या फिर अकाउंट्स पेबल. तो इट अपियर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ बायर एज सन्ड्री क्रेडिटर्स और अकाउंट पेबल. उसके बाद क्या क्या मेरिट्स होते हैं इसके. नंबर वन, इट इज़ अ कन्वीनियंट एंड कॉन्टीन्यूअस सोर्स ऑफ फंड. पहली बात, काफ़ी कन्वीनियंट है. अगर आपकी एक बार क्रेडिट वर्दीनेस बनी होती है तो आपको आसानी से मिल जाता है, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती. तो कन्वीनियंट है और कॉन्टीन्यूअस है. कॉन्टीन्यूअस का मतलब कि आप कॉन्टीन्यूअसली इस सोर्स से पैसा रेज कर सकते हो. नंबर टू, इट मे बी रेडिली. रेडिली का मतलब आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा. इट मे बी रेडिली अवेलेबल इन केस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर इज नोन टू द सेलर. अगर आपको अच्छे से जानता है सेलर, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई सिरदर्द नहीं, आसानी से आपको ये मिल जाएगा. इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म. फॉर एग्जाम्पल आप लोन लेते हो, ठीक है, आप लोन लेते हो, अगर आप वो लोन ना चुका पाए तो आपकी संपत्ति बिकनी शुरू हो जाती है, आपके एसेट्स के ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है. चार्ज का मतलब एक बर्डन क्रिएट हो जाता है, एक ऐसी चीज क्रिएट हो जाती है कि अगर आप पे नहीं कर पाए तो आपके एसेट्स को बेच के वो पैसा वसूला जाएगा. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता, आपके एसेट सेफ है, आपके एसेट्स पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप नहीं भी दे पाओगे तो वो आपका म्यूचुअल बेनिफिट होगा, कोर्ट में केस होगा, जो भी होगा, आपके एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा. आप अपने एसेट्स को कोई गिरवी नहीं रख रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप पैसा ले रहे, ठीक है ना. तो इट डजंट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म व्हाइल प्रोवाइडिंग फंड्स. इट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कई बार ये जरूरी होता है सेल्स को प्रमोट करने के लिए. क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको सेल करनी है तो आपके पास माल होना जरूरी है, गुड्स होने जरूरी है. आपके पास गुड्स ही नहीं होंगे तो माल बेचोगे क्या भाई. तो सेल को बढ़ाने के लिए माल होना जरूरी है, पैसा तो इतना नहीं आ पाएगा. तो आपके पास ये जब होगा, सामान होगा, आसानी से उधार पे सामान मिलेगा, तो सेल्स तो ऑब्वियसली बढ़ेगी ना. तो इट इज नीडेड टू प्रमोट द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अभी सारी अच्छी बातें करते रहोगे, सर कुछ लिमिटेशंस भी बता दो, क्या क्या कमियां होती हैं. नंबर वन, अवेलेबिलिटी ऑफ इजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड क्रेडिट मे इंड्यूस अ फर्म टू इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग. अगर आपको ये कई बार आसानी से मिल जाता है तो कई बार लोग ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं. ओवर ट्रेडिंग का मतलब अपनी लिमिट से ज्यादा सामान मंगा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरी 100 यूनिट्स बिकती हैं, ठीक है, और मुझे उधार में मिल रही थी, मैंने कहा चल 200 भेज दे यार, मैं पूरी कोशिश करूंगा 200 बेचने की. मुझे पता है मैं नहीं बेच पाऊंगा, मेरी 100 बिकती है, बट क्योंकि उधार मिल रहा है ना, आसानी से मिल रहा है, तो हर कोई चाहता है ले लिया जी.
अब बिकी है नहीं तो बताओ वेस्टेज होगा, पड़ी पड़ी यूनिट्स खराब भी होंगी, उनका वैल्यू भी रिड्यूस होगा, तो मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ विच इज नॉट गुड। आपको सामान उतना रखना चाहिए जितना आपका बिक जाए, राइट? तो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है जिससे आपके रिस्क बढ़ जाते हैं। नंबर टू, सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स इसमें अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको करोड़ों का सामान मिल जाएगा उधार में, ऐसा नहीं होता। एक लिमिट तक ही एक सेलर एक बायर को उधार में गुड्स देता है, तो ये एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही ठीक रहता है। इट इज जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड, ये जनरली एक कॉस्टली थोड़ा सा महंगा सोर्स है, थोड़ा सा कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स है एज कंपेयर टू अदर सोर्सेस। ये क्यों कॉस्टली है सर, किस टर्म्स में कॉस्टली है? देखो कॉस्टली ये इस टर्म्स में है कि पहली बात तो आपको जब जब आप पैसा दोगे सामने वाले का तो वो कुछ ना कुछ आपसे वैल्यू बढ़ा के लेगा, है ना। कॉस्टली सोर्स रहता है, आपको ये महंगा पड़ता है, इसमें आपका टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, क्रेडिट वर्दीनेस भी लगती है, सामने वाला कुछ महंगे में भी देगा आपको सामान, उसके अलावा बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा, तो इससे अच्छा तो यार किसी और सोर्स से ले लेते, रिटेन अर्निंग से कर लेते। तो इट इज यूजुअली अ कॉस्टली सोर्स एज कंपेयर टू अदर सोर्सेस, ठीक है। इतना इतना आपको एग्जाम में लिख के आना यार, मजे में मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब चलता हूं मैं अगले सोर्सेस पे। अगला सोर्स आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में साउथर्न इंडिया सवाल है, पक्का एग्जाम में आएगा। ये वाला पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको एग्जाम में आएगा। सबसे पहले क्या, शेयर्स, शेयर कैपिटल, ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंपनी बनाई, ठीक है। अब उस कंपनी में मैं अकेला तो पैसा नहीं डालता रहूंगा भाई, मैं कब तक अकेला पैसा डालूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टर्स की, मुझे जरूरत पड़ेगी ऐसे लोगों की जो मेरी कंपनी में पैसा लगा दे, ठीक है। अब कोई भी मेरी कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कंपनी है, ठीक है, ये मैं हूं, और मैंने अब इन दो लोगों को बोला कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगा दो, ठीक है। वो मेरी कंपनी में पैसा क्यों लगाएंगे, मैं उन्हें एश्योर करूंगा, मैं आपको कहूंगा कि यार आपके पास पैसा है, देखो मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा है, आप अगर इस पैसे को बैंक में रखोगे तो बैंक आपको इस पे कितना इंक्रीमेंट करके देगा, 6% मैक्सिमम, मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं होगा। मेरी कंपनी में अगर आप पैसा लगाओगे तो कंपनीज में तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, 10%, 12%, 15%, 20%, 25%, 30%, कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट ही नहीं है, बिजनेस का क्या पता कब बढ़ जाए। लेकिन जितना ज्यादा रिवॉर्ड है उतना ही रिस्क भी है, ऐसा भी हो सकता है जीरो भी हो जाए। बैंक में तो अश्योर्ड है कि 6% मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए रखते हो तो 1,06,000 करके ही देगा बैंक आपको, कंपनी में ऐसा अश्योरेंस नहीं होता, बट रिस्क है तो यार रिवॉर्ड भी तो बहुत बड़ा है, 30-35-40-50-100% तक का प्रॉफिट होते हैं, 200% तक का एप्रिसिएशन होता है। तो इस सिनेरियो में मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, उसके बदले में मैं आपको मालिक बना दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये कंपनी पूरी की पूरी मेरी है, 100% मेरा है, अगर आप दोनों भी इसमें पैसा लगा देते हो तो 10-10% मैं आपको दे दूंगा, 10-10% मैं आपको दे दूंगा, तो मैं 80% का मालिक हो जाऊंगा, 10% आपके, 10% आपके, ठीक है या नहीं है। अब इन्होंने जो पैसा लगाया, इन्होंने उसके बदले में मेरी कंपनी का ये 10% शेयर ले लिया, हिस्सा ले लिया, इसी को आप शेयर बोलते हो, समझे। तो जो कैपिटल ऑफ द कंपनी है, टोटल कैपिटल है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, तो उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। जैसे कुछ पैसा मैंने लगाया हुआ है, कुछ इन्होंने लगा दिया, कुछ इन्होंने लगा दिया, तो अब तीन पार्ट्स में कैपिटल टूट गई ना, उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। और उसके बदले में प्रॉफिट का कितना वेटेज मिलेगा, कंपनी में कितना हिस्सा मिलेगा, उसको हम शेयर बोलते हैं। जैसे अब अगर मेरी कंपनी में अब 200 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो 200 का 80% मेरा, 10% इनका, 10% इनका, इस तरीके से होता है। तो कंपनी में छोटी 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 परसेंटेज में शेयर्स बटे होते हैं, समझ में आया। तो कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स इज नोन एज शेयर, ठीक है। अब शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं सर, शेयर्स होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक इक्विटी होता है और एक प्रेफरेंस होता है। सर इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या फर्क है, कुछ भी खास फर्क नहीं है, बहुत बेसिक सा फर्क है। देखो शेयर में जो पैसा लगाता है उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, जो मेरी कंपनी में पैसा लगाएगा ना उसको हम शेयर होल्डर बोलेंगे। अब दो प्रकार के शेयर होल्डर हो सकते हैं, जिनकी अलग अलग दो प्रकार की सोच हो सकती है। शेयर होल्डर कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, जिनकी अलग अलग सोच हो सकती है, माइंडसेट हो सकता है। सर माइंडसेट का क्या मतलब है, हो सकता है एक शेयर होल्डर बोले कि यार देखो मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मैं नहीं चाहता कि मैं 10 रुपए लगा के, मैं नहीं चाहता
कि मैं 10 रुपए लगा के 20, 30, 50, 100, 150, 200, 500 कमाऊं। मुझे तो फिक्स चाहिए, मैं तो रिटायरमेंट की एज में हूं, मेरे पास कोई और अर्निंग का सोर्स नहीं है, मुझे तो फिक्स्ड प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो शेयर होल्डर ऐसा शेयर होल्डर जो फिक्स्ड प्रॉफिट मांग रहा है, जो ये बोलता है कि मुझे एक फिक्स परसेंटेज दे दो, आप ज्यादा कमाओगे तो आप ज्यादा रख लेना यार, मुझे तो एक फिक्स दे दो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं उसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब एक बात और याद रखना, जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है ना, उसको प्रॉफिट नहीं बोलते, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। पेप्सोडेंट वाला डेंट नहीं, डिविडेंड, DEND, ठीक है। तो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट होता है डिविडेंड का एक फिक्स रेट पे। अब फिक्स रेट का मतलब ये नहीं है कि लॉस होगा तो भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट होगा मिलेगा तो ही, भाई डिविडेंड का मतलब ही प्रॉफिट है, लेकिन हाँ इसको फिक्स्ड मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने ये बोला कि आपको हम 20 रुपीज फिक्स देंगे, तो अगर सपोज 20 रुपीज का ही प्रॉफिट हुआ तो पहले इसको मिल जाएगा, दूसरे वाले को कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। लेकिन अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो इसको 20 ही मिलेंगे, 80 इसके। तो यार ये तो रिस्की है ना, ये रिस्क भी ले रहा है तो रिवॉर्ड भी उठा रहा है। अगले साल सपोज 200 का प्रॉफिट हो गया तो भी इसके कितने, सिर्फ 20, इसके कितने, 180, ठीक है ना। तो ऐसा शेयर होल्डर जिसको फिक्स डिविडेंड मिलता है उसको आप प्रेफरेंस शेयर बोलते हो, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दूसरा इसको क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब जब कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले पैसा भी इसी को मिलेगा दोनों शेयर होल्डर्स में से। तो प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं, जिनको दो प्रकार के प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। पहला राइट उनको डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलेगा, दूसरा राइट उनको जो रीपेमेंट होगा वो भी पहले होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज नोन एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो कैपिटल ये लोग इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलोगे, ठीक है। दो प्रकार के इनको राइट्स हैं। दूसरे कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी कौन से होते हैं, पहले तो शेयर्स की डेफिनेशन आ गई, फिर मनी रेज्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। लंबे समय के लिए ज्यादातर लोग इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यार देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी ज्यादा कमाएगी तो मुझे भी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए ना, मैं फिक्स से क्यों सेटिस्फाई हूं, सेटिस्फाई नहीं होना लाइफ में कभी भी, ग्रोथ चाहिए यार, ग्रोथ चाहिए यार, क्या हर इंसान ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। तो मुझे एक फिक्स परसेंटेज नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए अगर कंपनी बढ़िया कमा रही है तो यार मुझे भी पैसा दो बढ़िया वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको पैसा इनके बाद मिलेगा, लेकिन ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा, नहीं होगा तो दोनों को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। यानी कंपनी को अगर कुछ भी डिसीजन लेना है तो अपने शेयर होल्डर को तो बताएगी ना कि हम यहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये डिसीजन लेना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो वोट करके मेजॉरिटी से डिसीजन होता है। फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं, डिसीजन एक थोड़ी ना लेगा, सब लोग वोटिंग करेंगे, जो मेजॉरिटी कहेगी वो होगा, राइट। तो बेसिकली वोटिंग राइट्स जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास किसी भी प्रकार के कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते। नो वोटिंग राइट्स आर गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। वोटिंग राइट्स किसको दिए जाते हैं, इक्विटी को। अब एक सवाल आता है एग्जाम में, क्या सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते? नहीं, ऐसा नहीं। अगर कोई ऐसा डिसीजन है जिसमें कि इनको इनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, इनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो इन्हें वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, कि कोई ऐसा डिसीजन है जो इन्हीं से रिलेटेड है तो इन्हें वोटिंग राइट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की बेसिक डेफिनेशन मीनिंग होता है ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब कि शेयर कितने रुपए का होगा। इक्विटी में यूजुअली लो होती है, इसकी फेस वैल्यू हाई होती है। प्रेफरेंस महंगा होता है, इक्विटी सस्ता होता है, क्योंकि भाई जिस पे फिक्स्ड पैसा देना है वो तो महंगा ही होगा ना। लेकिन ज्यादातर लोग लेते इक्विटी है, क्योंकि हर इंसान ग्रोथ चाहता है ना। रिस्क, ये प्राइमरी रिस्क बेयरर्स होते हैं, इनका सबसे बड़ा रिस्क होता है, इनका कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है, क्योंकि अगर कंपनी ने कम प्रॉफिट भी कमाया तो भी इन्हें तो अपना फिक्स मिल ही जाएगा ना, है ना। और अगर प्रॉफिट सारा इनको देने में खत्म हो गया तो भी इन्हें मिल जाएगा, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा रिस्क तो इनका है। रेट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग होता है, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट्स, इनका फिक्स्ड होता है। बस ये याद रखना कि प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। रिफंड ऑफ कैपिटल, जब कंपनी बंद होगी, लिक्विडेट होगी, कंपनी बंद होने को बोलते हैं लिक्विडेशन होना, तो जब कंपनी बंद होगी
तो इन्हें आफ्टर प्रेफरेंस यानी पहले इनको, इनके बाद इन्हें, इन्हें बिफोर इक्विटी, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड भी पहले किसको मिलेगा, पहले इनको मिलेगा बाद में इनको मिलेगा। वोटिंग राइट्स इक्विटी में होते हैं, ये गलत है, वोटिंग राइट्स इक्विटी में होते हैं, प्रेफरेंस में नहीं होते, याद रखना। वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होते वोटिंग राइट्स, ठीक हो गया जी, क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब मेरे पास एक नेक्स्ट सोर्स आता है जिसको मैं बोलता हूं डिवेंचर, एक नेक्स्ट सोर्स आता है जिसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर। व्हाट इज डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है? देखो यार, डिबेंचर का मतलब ये होता है पब्लिक से लोन लेना। मैं एज अ कंपनी, मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने आपको बोला कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगा दो, आपने बोला यार आपकी कंपनी में पैसा लगा दो तो मुझे क्या दोगे, मैंने कहा मैं आपको शेयर होल्डर बना दूंगा, प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, देखो आपका पैसा डूब भी सकता है, लॉस हो गया तो पैसा डूब जाता है शेयर होल्डर का, समझे। और आपने कहा यार मैं इतना रिस्क क्यों लूं, मैं तो नहीं लेता इतना रिस्क, मुझे तो कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें मुझे फिक्स्ड पैसा मिलता रहे और मेरे पैसा भी सेफ रहे, डूबे ना। मैंने कहा आप एक काम करो, आप मुझे लोन दे दो, लोन तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा ना आपको। आपने कहा फिर आप बैंक से लोन क्यों नहीं ले रहे हो, मैंने कहा यार बैंक में फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, फिर मैं सिक्योरिटी रखवाऊं कुछ ना कुछ कोलेटरल, उसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हैं, पेपर वर्क है, टाइम वेस्ट होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते, तो बहुत इशू है, बैंक से मुझे लोन नहीं लेना। मैंने आपको बोला आप ही मुझे लोन दे दो, मैं आपको इंटरेस्ट तो दूंगा ही दूंगा फिक्स, ऑब्वियसली बैंक से लोन लूंगा तो बैंक को भी इंटरेस्ट दूंगा, आपको भी इंटरेस्ट दूंगा, और बैंक में अगर आप अपना पैसा रखते हो तो आपको बैंक कितना इंटरेस्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे लोन मत दो, मैं कंपनी हूं, आप मुझे लोन मत दो, आप बैंक में अपना पैसा रख दो, बैंक आपको कितना परसेंट देगा, 3.5%, 4%, 5%, बस इतना ही तो है। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 8% का इंटरेस्ट, बैंक से ज्यादा, डबल। बैंक में पैसा रखोगे तो 4%, मेरी कंपनी में मुझे लोन दोगे तो मैं आपको 8% दूंगा, तो आप भी राजी, आपने बोला यार ये तो बढ़िया है, और आपका कैपिटल भी नहीं डूबेगा, पैसा डूबेगा भी नहीं क्योंकि आप मुझे लोन दे रहे हो, लोन तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं चुकाऊंगा तो मेरी संपत्ति बिकेगी, समझे। इसको हम बोल दिया डिबेंचर। अब डिबेंचर सुनते हो ना तो बड़ा मुश्किल सा शब्द लगता है, कुछ भी डिबेंचर नहीं है। अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो बैंक लोन, कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर, ठीक है। तो डिबेंचर बेसिकली क्या होता है, डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है जिसमें कंपनी बोलती है कि हाँ वी हैव टेकन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स फ्रॉम यू एंड वी विल रीपे इट ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, हम इसको 5 साल में पे बैक कर देंगे, हम इसको 8 साल में पे बैक कर देंगे, हमें इतने ही टाइम के लिए चाहिए, हम आपको वापस करेंगे, नहीं दे पाएंगे तो हमारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आपको एनुअली यूजुअली 6 महीने में मिलता है, साल में 2 बार मिलता है इंटरेस्ट, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपको हर साल इतना परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, ये डिबेंचर है। सर फिर शेयर और डिबेंचर में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? देखो जो शेयर होता है ना वो तो मालिक बन जाते हैं, प्रॉफिट्स में हिस्सा हो गया उनका, मालिक हो गए, तो शेयर्स को बोला जाता है ओनर्स फंड्स, और डिबेंचर बोरोड फंड्स, ये मालिक नहीं बनते, इन्हें आप मालिक नहीं बनोगे, अगर मैंने आपसे लोन लिया, बस आप मेरे क्रेडिटर हो, मुझे आपको पैसा देना है ना। वोटिंग राइट्स शेयर होल्डर्स को होती है, डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती, भाई बाहर वाले को वोटिंग राइट्स क्यों देनी है, कंपनी के डिसीजंस तो इंटरनल लोगों को मिलेगी ना बस। अगला, शेयर होल्डर रिस्क बेयरर्स होते हैं, इसमें कोई रिस्क ही नहीं होता यार, मिनिमम रिस्क लिखा हुआ है लेकिन ऐसा कुछ खास रिस्क होता नहीं है। कंट्रोल किसके पास होता है, शेयर होल्डर्स के पास होता है, इनके पास कोई कंट्रोल नहीं है कंपनी का। शेयर होल्डर्स को ऑनर्स माना जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखना, शेयर होल्डर्स को ऑनर्स माना जाता है, डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर माना जाता है, क्रेडिटर मतलब जिसका पैसा देना है हमें भविष्य में। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब कि पे बैक कब होगा, शेयर्स पे बैक होते हैं जब कंपनी बंद हो रही होती है, वाइंडिंग अप के टाइम पे, और इनका पैसा मिल जाता है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे, 5 साल, 8 साल, 10 साल, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, ये वाला जो टॉपिक मैंने आपको कराया है, ये इस चैप्टर का सबसे टिपिकल, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट टिपिकल और एग्जाम में 100% आने वाला टॉपिक, मतलब तुम लोगों को इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% मिल रहा होगा। एक बात याद रखना, ये जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर है ये सबसे बड़ा चैप्टर है, बाकी चैप्टर्स तुम्हारे एक एक क्लास में हो जाएंगे, लेकिन मुझे इसे कराने में सबसे ज्यादा समय लगता है क्योंकि ये है ही इतना इंपॉर्टेंट और बड़ा भी है। तो इस सिनेरियो में हम लोग आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, और आप मेक श्योर करो कि आप आज शेयर्स,
डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, शेयर डिबेंचर, इतना आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। इसके बाद हम आगे चलते हैं अगली क्लास में और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, बिकॉज एकदम से इतना बर्डन डालना, तुम लोग अपनी सिलेबस की टेंशन मत लो। मैंने ऑलरेडी वैसे सब कराया हुआ है, बट स्टिल आई एम मेकिंग श्योर, आई एम कीपिंग दिस इन माइंड कि मैं 15th ऑफ फेब तक तुम्हारा सारा सिलेबस पूरा कर दूं। तो तुम लोग चिंता मत करो, बस पढ़ते रहो साथ साथ और चैप्टर्स पूरे करते रहो। जिनके जल्दी एग्जाम्स हैं, मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, उससे भी कवर कर लो यार, उससे भी देखो। नए वीडियोस की वेट मत करो, नई आएगी रिविजन कर लेना, उससे भी करते रहो। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बाकी इस चैप्टर में से कुछ खास आना भी नहीं। एडीआर जीडीआर आईडीआर आना है, वो मैं अगले टॉपिक में कवर करता हूँ, यही तुम्हारे एग्जाम में ज्यादा आ रहा होगा। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, ये अच्छे से करो, आई एम गोना सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, तब तक आप ये बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। थैंक यू सो मच।